देखे कोई क्या कह रहा है, वो उनकी भाषा होती है और हम वो भाषा नहीं बोलते। हम किसी को गिराने के लिए हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम तथ्यों का प्रयोग करते हैं, हम तथ्य लेके आते हैं। टिकट बंटवारे में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देंगे या बाहरी दलों से आने वाले बागियों को तवज्जो देंगे? अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं को हर स्थानों पर हमारा तवज्जो दिया जाता है, उनको हम सम्मान देते हैं। जो हमारी पार्टी से जुड़े और उनका भी जितना भी है, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि हमारे लिए ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और हम चुनाव जीतेंगे भी। उस रणनीति के तहत हम और चीज़ें सब कर रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं। अन्य पार्टी के लोग लोकदल में समाजवादी ज्वाइन में भाग रहे हैं टिकट पाने की जुगाड़ में, जिन्हें अपने दल में जहाँ वो रहते हैं उन्हें वहाँ से निराशा हाथ लगी तो आपकी तरफ भाग रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए जो भी आ रहा है हमारी नीतियों से प्रभावित हो गई, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहा है, स्वागत है, लेकिन आगे का क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, 7 तारीख में मेरठ में आपकी गठबंधन की रैली होने जा रही है, संयुक्त रैली हो रही है, तो उस रैली का कुछ बताए, उसके बारे में बताइए। रैली हो रही है, बस रैली में ये रहेगा कि हम लोग अब गठबंधन में आ गए हैं, संयुक्त रूप से पहली रैली हो रही है और उसमें जो आएगा जुड़कर जो संवाद होगा उससे आगे की रणनीति बनेगी। सत्ताधारी पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं उस रैली के माध्यम से, आप क्या रणनीति बनाई है? सत्ताधारी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका झूठ का अब जो पुलिंदा है वो फट चुका है और सच्चाई के रास्ते पर जो किसान है, जो इतने समय तक आंदोलनरत रहा, जिसके विषय में आपने कितनी ऐसी बड़ी खूबसूरत बातें कही, उनको क्या कहते हैं उनका, उनको सम्मानित करने का हर हथकंडे अपनाए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया, अपनी गलती स्वीकार किया और सारे तीनों कृषि कानून वापस लिए। किसानों का ये कहना है कि हम MSP पर कानून चाहते हैं। देखिए एक चीज़, आप प्रबुद्ध वर्ग हो, आप भी सोचो MSP का कानून अगर बन जाए, एक्ट बन जाए, तो वह सरकारी खरीद पर ही केवल लागू नहीं होगा, हर के लिए जो प्राइवेट पार्टी आती है खरीदारी में संलग्न होती है वो सबको वो रेट देना पड़ेगा। नोट बदलने का जो खेल खेला गया वो सारी ब्लैक मनी जो अनअकाउंटेड थी वो बदल के इन लोगों के पास पहुंच गया। आप अकाउंट में क्यों नहीं जमा कराएं? आप कहते कि सबका अकाउंट जब तक नहीं खुलेगा, जब तक जमा नहीं होगा, तो सबका अगर बैंक में जमा हो गया होता तब हम मानते कि हाँ ब्लैक मनी को आपने बैंक में करा के उसको व्हाइट मनी करवा दिया, उस पर टैक्स दिया लिया, इतने कर दिए होते, ईमानदारी झलकती, साफ साफ बेईमानी झलक जा रही है कि वही ब्लैक मनी जो सर्कुलेट कर रही थी आप तक सीमित हो गई। बड़े बड़े लोगों ने खूब नोट बदलवाए, सब कुछ भूल जाते हैं, कोरोना काल आया, लोग परेशान हुए, सब कुछ भूल गए। कौन भूल गया? जिसके यहाँ का, जिसके परिवार का सदस्य मरा है, हम जानते हैं सेकंड जो लहर आई, प्रथम लहर में तो कैसे क्या हुआ समझी में नहीं आया, दूसरी जब लहर आई तो आदमी त्राही त्राही कर गया। मैंने खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कोरोना जन निगरानी महासमिति व्हाट्सएप ग्रुप था, और सभी मंडलों को हमने जोड़ा, इसमें बड़े बड़े कुछ धनाढ्य लोग भी जुड़े, बिजनेसमैन वाले जुड़े। हमने उसको यही एक निवेदन किया कि देखिए सरकार के भरोसे मत रहना, आप जितना कर सको, अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही आप उपलब्ध करा सकते हो तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ, कोई दवा नहीं मिल रही दवा दो, किसी के पास पैसा नहीं तो पैसे की व्यवस्था करो। और लोगों ने किया, 9 तारीख तक, 9 मई तक जब पीक पर पहुँचा था तो ये पंचायत चुनाव करा रहे थे, अन्य स्थानों के चुनाव में व्यस्त थे, जब गिरावट आने लगी 8 के बाद तो डाउन होने लगा, पीक पर पहुंचने के बाद डाउन होता है, तब आप है नहीं प्रचार अभियान, एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं ये लोग, हर इवेंट को यहाँ की मृत्यु का भी मैनेज कर देते हैं। और नहीं तो मैं बताऊँ लखनऊ का, जहाँ जो स्मशान गृह है वहाँ से बहुत दूर तक किनारे किनारे
मैंने इतनी चिताएं जलती थी कि अब क्या बताएं, लगता था कि क्या बेबसी का शब्द वो नहीं भूलेगा।